राइजअप क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ काव्यखंड पाठ 4 कविता है वे आंखें और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। मूलनाम गोसाई दत्त, जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं वीणा, क्रांति, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा चांद, लोक यत्न आदि। सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। मृत्यु सन 1977। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। पाठ प्रवेश। प्रसक कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आइए शुरू करते हैं कविता वे आंखें। इस कविता में कवि ने स्वाधीन भारत में शोषण और अत्याचार का शिकार हुए किसान के जीवन को दर्शाया है। तो शुरू करते हैं कविता। पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। गुहा, गुफा, सरीखी के समान, जैसा, दारुण, वेदना, दैन्य, गरीबी, नीरव, मौन, रोदन, रोना। अंधकार की गुहा, सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि वे जो आंखें हैं वे किसान की आंखें हैं और वे आंखें अंधकार से भरी हुई गुफा के समान है। जिस प्रकार अंधकार से भरी हुई गुफा होती है उसने काफी सारे अत्याचारों को देखा होता है। उस गुफा ने काफी सारे दुखों को देखा होता है और वह दुख रूपी अंधकार से भरी हुई होती है। उसी प्रकार किसान की आंखें हैं जो अंधकार से भरी हुई है। उन्होंने काफी सारे दुखों को और अत्याचारों को देखा है और सहा है, इसीलिए उन आंखों को देखकर जो मन है वह डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और वे जो आंखें हैं उनमें दारुण वेदना भरी हुई है और वे आंखें गरीबी के दुख से मौन रोती है। मौन रोना कि आंखों से आंसू तो नहीं आते हैं लेकिन आंखों को देखकर लगता है कि जो मनुष्य है, इंसान है, वह बहुत दुखी है। ठीक है, उसका मन रो रहा है। तो इसीलिए वे जो आंखें हैं वे गरीबी के दुख से मौन रोती हैं। किसान बहुत गरीब थे उस समय पर। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। ठीक है, और जब भारत वर्ष आजाद हुआ था, जब भारत भी स्वाधीन भारत था हमारा, उस समय पर किसान भी स्वाधीन हो गए थे कि अब वे अपने हिसाब से अपनी खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसका किसान की आंखों में बहुत अभिमान था कि किसान बहुत अब स्वाधीन हो चुके हैं। लेकिन किसानों के साथ क्या हुआ? छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश है किसका। लेकिन किसान को मजदार कहते हैं बीच में ही छोड़कर, बीच में ही, ठीक है, कगार किनारे पर। लेकिन किसान को बीच में ही छोड़कर संसार किनारे पर आ गया है। ठीक है, अर्थात किसान की जो परिस्थिति थी, उसकी जो बेकार स्थिति थी समाज में, ठीक है, वह गरीब था, उसे उसी स्थितियों के साथ संसार ने छोड़ दिया। किसान की स्थिति सुधारने की कोशिश किसी ने नहीं की समाज में, संसार में किसी ने उसकी स्थिति सुधारने के बारे में नहीं सोचा और किसान को उसी स्थिति के साथ छोड़कर जो बाकी बचा संसार है
वह तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा, वह आगे बढ़ा, लेकिन किसान वही के वही रह गए। लहराते वे खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जन से। देखे कि किसान को उसके खेतों से बेदखल कर दिया गया। क्यों बेदखल कर दिया गया? कि गांव में अगर खेती करने के लिए किसी किसान के पास पैसे कम होते थे तो वे महाजन से पैसे ले लेते थे, लेकिन महाजनों का जो ब्याज होता था वह इतना ज्यादा होता था कि वह चुकाना बहुत मुश्किल होता था। उसी प्रकार किसान ने भी खेती के लिए महाजन से पैसे लिए और वह ब्याज समेत उन पैसों को नहीं चुका पाया, तो महाजन ने उस ब्याज को चुकाने के लिए किसान के खेतों को छीन लिया। क्योंकि पैसे लेने के लिए तो लोन लेने के लिए पहले कुछ गिरवी रखा जाता है, तो उसने अपने खेत गिरवी रखे होंगे, तो अपना पूरा ब्याज वसूल करने के लिए महाजन ने उसके खेतों को छीन लिया, तो इसलिए वह अब द्रगों का अर्थ होता है नेत्रों में, तो किसान के नेत्रों में अब उसके खेत लहराया करते हैं, जिनसे किसान अब बेदखल हो गया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। ठीक है, और किसान के जीवन की जो खुशी थी वह उसके खेत की तिनके तिनके की हरियाली से थी। ठीक है, तृण तृण मतलब तिनके तिनके की हरियाली से किसान के जीवन की खुशी थी और वह अब उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है। ठीक है, उसकी वह खुशी भी छिन गई है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब किसान की आंखों का तारा ये एक मुहावरा है, अर्थात किसान का बेटा अब उसकी आंखों में ही घुमा करता है, क्योंकि वह तो कारकुनों की लाठी से जवानी में ही मारा गया है। कारकुनों की लाठी मतलब महाजन के जो बॉडीगार्ड होते हैं, महाजन के लठवाहनों ने उस किसान के बेटे को मार दिया है कि जब किसान का खेत छीना महाजन ने तो उसके बेटे ने कुछ कहा होगा। ठीक है, लेकिन अपना ब्याज पूर्ण करने के लिए महाजन ने के लठवाहनों ने किसान के बेटे को लाठी से पीट पीट कर जान से मार डाला है, तो अब जो उसका बेटा लठवाहनों की लाठी से पीट कर मर गया है वह अब किसान की आंखों में घुमा करता है और किसान को इसका दुख होता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ने अपने ब्याज की एक एक कौड़ी एक एक पैसा वसूल करने के लिए किसान का घर द्वार भी बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क, कुर्क कहते हैं नीलाम, हुई बर्दो, बर्दो कहते हैं बैलों को, बैलों की जोड़ी। और जो किसान की बैलों की जोड़ी थी महाजनों ने उसको भी नीलाम कर दिया अपने ब्याज को वसूल करने के लिए, और उसकी नीलाम हुई बैलों की जोड़ी किसान की आंखों में चुभा करती है। उजरी, उजरी है किसान की गाय का नाम। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। दुहाने कहते हैं गाय का दूध निकालना। तो जो किसान की गाय है उजरी, वह किसान के सिवा अपने पास उसका दूध निकालने के लिए और किसी को नहीं आने देती है, और वह भी किसान की गाय जो थी वह भी महाजनों ने बेच दी है, तो किसान अब दुखी होता है कि उसकी गाय का क्या हो रहा होगा, वह तो किसी और को अपने पास आने ही नहीं देती है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, और किसान की जो सुख की खेती उजड़ गई है वह किसान की आंखों में नाचा करती है, किसान को उसकी याद आती है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी कहते हैं पत्नी को। स्वर्ग चली आंखें आती भर, कि किसान के पास अब इतने भी पैसे नहीं है वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा सके, इसलिए बिना दवाई के उसकी पत्नी मर गई, और यह देखकर जो किसान है वो इतना दुखी हो जाता है कि उसकी आंखों से अब आंसू भी आने लगते हैं। देख रेख के बिना दुधमुही, दुधमुही कहते हैं नन्हे शिशु को जो माँ का दूध पीकर जीते हैं। बिटिया दो दिन बाद गई मर, ठीक है, और जब उसकी माँ मर गई, बिटिया की किसान की पत्नी मर गई, तो जो उसकी नन्ही शिशु थी वह बिना देख रेख के दो दिन बाद मर गई, क्योंकि किसान के पास इतने पैसे नहीं थे वह उसको दूध लाकर दे सके, तो इसलिए बिना देख रेख के उसकी जो दुधमुही बिटिया थी वह दो दिन बाद मर गई।
घर में विधवा रही पतोहु, पतोहु कहते हैं पुत्रवधु को, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातन। तो जब किसान का बेटा भी मर गया तो जो उसकी पुत्रवधु थी वह घर में विधवा रह गई। वह लक्ष्मी थी, अच्छी थी, लेकिन समाज ने उस पर पति की हत्या का आरोप लगाया। समाज ने कहा अगर वह चाहती तो अपने पति को मृत्यु से बचा सकती थी। तो इसके पूछताछ करने के लिए पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल कहते हैं थाने के दरोगा ने उसको पूछताछ करने के लिए पकड़ मंगवा लिया। तो इससे उसकी समाज में बहुत बदनामी हुई। इस बदनामी को वह सह नहीं कर सकी और वह कुएं में डूबकर मर गए। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, जोरू कहते हैं पत्नी को। यहां पर पुराने समाज के संकीर्ण विचारों को दर्शाया गया है, लेकिन इस कविता में पुरुष के जीवन में स्त्री के महत्व को भी दर्शाया गया है कि जो किसान है वह अत्याचारों को सहकर भी रोता नहीं है, किंतु जब उसकी पत्नी मर जाती है तो किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंतु यहाँ पर पुराने समाज में जो संकीर्ण विचार थे उनको दर्शाया गया है कि जो स्त्री होती है वह तो पैर की जूती के समान होती है, एक सही नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटना मतलब जलन होना, छाती फटना मतलब असहनीय दुख। लेकिन जब किसान अपने जवान लड़के की मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसको जलन होने लगती है और असहनीय दुख होने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। स्मृति कहते हैं यादों को। तो जब किसान अपने पिछले सुख को याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि पिछला सुख कितना अच्छा था, उसका परिवार उसके साथ था, उसकी खेती उसके साथ थी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है पिछले सुख को याद करके। तुरंत शून्य में गड़ जाता वह चितवन। चितवन कहते हैं मन। लेकिन किसान का मन अचानक शून्य में गड़ जाता है। तीखी नोक सदृश्य बन जाती है, सदृश्य मतलब समान, और वह उसकी जो स्मृति है वह तीखी नोक के समान बन जाती है, जो उसकी आंखों में चुभने लगती है कि पहले उसका उसके कितने अच्छे दिन थे उसके, जब उसका पूरा परिवार उसके साथ था, उसकी खेती उसके साथ थी, किंतु अब सब कुछ उजड़ चुका है, ना उसकी खेती रही, उसका पूरा परिवार मर चुका है। तो यह जो उसकी पिछली स्मृतियां हैं वे उसकी आंखों में तीखी नोक के समान चुभने लगती हैं और किसान को बहुत दुख होता है। अकेला किसान दुख के साथ रह जाता है। तो आइए कविता का काव्य सौंदर्य देखते हैं। कविता में सरल और चित्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता में खड़ी बोली है, दृश्यात्मकता है, करुण रस का प्रयोग किया गया है और इसका स्थायी भाव शोक है। कविता को पढ़कर हमारे मन में थोड़ा दुख आता है तो इसलिए इसमें करुण रस का प्रयोग है। कविता में भारतीय किसानों के जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। कविता में कुछ अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं हमारा दूसरा अलंकार, दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तृण तृण में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। उजरी उसके में उवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। किसे कप में अनुप्रास अलंकार है। पास दुआने आने देती में प्रश्नारोपण किया गया है, इसमें प्रश्न अलंकार है। कविता में कुछ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे सांप लौटना, छाती फटना और तीखी नोक सदृश बन जाती में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यह था हमारा कविता का काव्य सौंदर्य। आशा है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।